तो अब हम लोग स्टार्ट किए जाए मगध महाजनपद से सबसे महत्वपूर्ण था मगध महाजनपद मगध महाजनपद जो था वो छोटा सा एरिया से चालू हुआ था लेकिन धीरे धीरे पूरे भारत पर फैल गया था मगध महाजनपद मगध महाजनपद जो था इसमें सात राजाओं ने अलग अलग शासन किया था मगध में तो मगध पहले फैला तो कहाँ था बिहार से और धीरे धीरे कहाँ तक फैल गया पूरे भारत में क्योंकि इसके ना राजा जो थे सब ना बड़े योग्य थे सब मगध के जितने राजा थे सब बहुत ही योग्य राजा थे सब ये वाला एरिया आपका क्या था मगध ये भी मगध नहीं था पूरा मगध इतना ही छोटा था ना ऊपर में क्या था वज्जी ऊपर में वज्जी और इस साइड में अंग क्या था हालांकि प्राचीन इतिहास को देखेंगे धार्मिक ग्रंथ के हिसाब से तो सबसे प्राचीन अंग महाजनपद में जरा संघ की कहानी मिलेगी महाभारत वगैरह में मिलेगा ऐतिहासिक रूप से नहीं मिलेगा नहीं गया कि नहीं जरा संघ वगैरह जो जो राजा थे महाभारत का आप कहानी पढ़े होंगे ना तो उसी में आपको अंग अंग मिलेगा क्या मिलेगा अंग अंग का राजा वगैरह किसे बना दिया गया था जरा संघ वगैरह धारने कर्ण को दिया गया, एरिया। गया, गया था एरिया गया कि नहीं आ गया चलिए अब देखते हैं हम लोग तो ये बताइए ये कौन सा हो गया अंग क्या हो गया अंग आइये हो गया आपका हो गया आपका कौन था मगध मगध था क्या था तो मगध था अब मगध धीरे धीरे अपना विस्तार फैलाना चालू किया मगध का पहला राजा था बिंबिसार महिला मगध का पहला राजा बिंबिसार था अरे बाप रे बहुत खतरनाक शासक था ये मारधार बहुत करता था सेवा सत्कार भी बहुत करता था बिया भी बहुत करता था अगर किसी जगह को कब्जा करना है तो मार के पर ले ले लो छोटा मोटा जगह है तो मार करके ले लो कोई राजा संकट में फंसा हुआ है तो उसकी मदद कर दो और उसे कुछ जमीन ले लो और कोई देख रहा है तो ब्याह करके दहेज में ले लो आ टीप के इसने लड़की से बिया करता था जिसका भाई भी ना हो <coughs> समझ साम्राज्य वगैरह पूरा बढ़िया जबरदस्त ले लेता ले था वहाँ पे तो बहुत खतरनाक था मगध का पहला राजा नाम क्या था इसके राजवंश का नाम जो था वो था हरियंक वंश कौन सा हरियंक वंश क्या नाम था हरियंक वंश और इस हरियंक वंश का पहला शासक का नाम बिंबिस बिंबिसार देखिएगा बिंदुसार मत बोल दीजिएगा ये अशोक के दादा का नाम है बाप हो गए दादा नहीं बाप मौर्य का बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा तो ये सब वंश के संस्थापक का नाम ना? ये पहला ऐतिहासिक शासक है बिम्बिसार बिम्बिसार ने कई सारे काम किए इसने मगध का विस्तार चालू किया और इसने मगध की राजधानी राजगीर को बनाया था जिसका सबसे बड़ा रीजन था राजगीर पहाड़ों से घिरा हुआ था राजगीर पर हमला करना बहुत मुश्किल था पहाड़ों पे चढ़ना आप जंगल और पहाड़ में किसी को नहीं हरा सकते जंगल पहाड़ और पानी इस पर आप कभी व, व, बाहर का आदमी यहाँ नहीं आके जीत सकता है नक्सली को इतनी समस्याएँ क्यों आती जंगल में लड़ते वियतनाम में अमेरिका क्यों भाग गया जंगल और पानी दोनों था अफगानिस्तान से अमेरिका क्यों भाग गया पहाड़ था मुग़ल सब दक्षिण भारत में मराठाओं को हराते हराते मुगले ख़त्म हो गए सब मराठा कभी नहीं हारे रीजन क्या था पहाड़ और जंगल दोनों था समझ में गया कि नहीं आ गया किसी को दिक्कत आगे बढ़े बहु तो बिंबिस ने ना साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ किया तो इसने ना साम्राज्य विस्तार के लिए कई सारे काम किए इसने सबसे पहले चार गो बह किया कितना किया? पहली पत्नी इसकी कोसली थी कोसल नरेश महाकोशली कोसल की नानी जो थी महाकोशली महाकोशली वहां से इसने क्या कर दिया विवाह कर दिया और लिच्छवी नरेश चेतक की बहन से क्या कर लिया विवाह कर लिया चेलन्ना को सबसे ज्यादा मानता था अब चार को बहुत करेगा चारों को बराबर तो नहीं मान पाएगा जो सबसे कम दिमाग खाएगी उसी को मानेगा समझ रहे हो लड़की लोग जो सबसे कम दिमाग खाएगी उसी को ज्यादा मानेगा और तुम लोग को कोई ज्यादा गलत सिलेबस पढ़ा दिया है ज्यादा दिमाग नहीं खाना चाहिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया आदमी टेंशन में रहे तो उसको अकेले छोड़ देना चाहिए और तुम लोग क्या करेगी लोग चाय लेके पहुंच जाएगी पापड़ छान के पकौड़ी छान के झनक के बोल देगा दो बात शांत हो जाएगी लोग और तुम लोग और लड़की अगर टेंशन में रहे तुम लोग अब ब्याह शादी हो तो औरत अगर टेंशन में रहती है तो सोचती है चार गो आदमी बतियाए उससे चार तीन चार आदमी मिल के उसको दुख दर्द बांटे क्या हो गया है तबीयत खराब हो गया बुखार हो गया बताओ कैसे हो गया काम थोड़ा छोड़ देती क्या जरूरत थी इतना लगे रहने का काम में ये है वो सांझमा गया कि नहीं आ गया तो दोनों लोग को हम समझा रहे हैं समझ सांझमा आप ही लोग बताओ आपका कोई तबीयत खराब हो कोनो ले आके आए दवाई दे दे और चल जाए तो कैसा लगेगा खराब नहीं लगेगा और लड़का लोग बताओ तुम्हारा तबीयत खराब है और कोनो बैठ के दिमाग चाटे वो ठीक लगेगा कि दवाई दे चल जाए तो दवाई दे चल जाए दोनों की मेंटेलिटी उल्टी होती है इसको जितना जल्दी समझ जाएंगे लोग धीरे धीरे उतना काम करेगा को बतियाने दिमाग चाटने वाला आदमी नहीं चाहिए उसको बड़ी माथा पीटता यार आधा घंटा दिमाग चाट गया अब महिला लोग को उसको चार गो आदमी चाहिए अरे बाप रे पूछने वाला आगे इस सब का पीडीएफ दे दिया कीजिए सर देखो जितना का ब्याह वाला है सब ना ये सब एक जगह खोजता है सब इसका झगड़ा होता होगा हाँ यही छोटा छोटा मैटर को लेकर तुम लोग का झगड़ा नहीं होगा समझ में आ गया कि नहीं आ गया चलिए अब आगे बढ़ते हैं किसी को दिक्कत तो सबसे ज्यादा किसे मानता था बिंबिसार चेलन्ना को तो इसका कई को विवाह हुआ महा महा कोशली कोशल नरेश की बेटी महा कोशली और वज्जी की जो थे लिच्छवी नरेश जो थे चेतक की चेलन्ना चलन्ना चे... चे चलन्ना चे के प्रभाव में आके इसने कौन सा धर्म अपना लिया था जैन धर्म कौन सा धर्म जैन धर्म चलन्ना के प्रभाव में आके इसने कौन सा धर्म अपनाया था जैन धर्म जैन धर्म सबसे ज्यादा किसको मानता था अब वहां से देखिए महाकोशली से इसके बनारस का एरिया मिल गया कहाँ का एरिया मिल गया बनारस क्योंकि उसके एरिया में वो आ जाता था बनारस को हराया था वहां से वो ले लिया यहाँ पे बना बनाया वो बनारस को हराया कोशल नरेश कौशल लड़े की बेटी से ब्याह किया तो कौशन लड़ेश ने कहा कि बेटी ले ही जा रहे हैं बनारस भी लीजिए जाइए एक लाख रुपया सालाना इससे टैक्स आता है सोचिए 500 ईसा पूर्व आज से ढाई हजार साल पहले की बात है 500 सौ ईसा वैदिक काल खत्म हुआ और अं महाजनपद चालू हुआ छह ईसा पूर्व में कौन खत्म हुआ वैदिक काल और ये 500 सौ ईसा पूर्व की बात है 500 सौ ईसा पूर्व एक लाख रुपया सालाना उस समय अगर टैक्स आता है तो सोचिए कितना अमीर हो गया हो गया आज से ढाई हजार साल पहले की बात है ढाई हजार साल पहले आप लोगों को क्या लगता है लाल चल हुआ है बहुत पुराना है पंजाब की र... पंजाब में इसने छह माह से शादी कर लिया किसे? छह से विवाह कर लिया वैशाली की गायिका थी गीत गाती थी बहुत अच्छा वैशाली, हाँ आमर पाली वैशाली का आम्रपाली पाली, आमर पाली।, आमर पाली। सबसे क्या कर लिया विवाह कर लिया विवाह जब करता था तो तो नहीं नहीं जाता था जाता था तो एरिया जीत जीत जाता जाता वैशाली की गायिका थी क्या नाम था आम्रपाल एक अलग थी नृतांगना थी वो <laughs> वो तो बौद्ध धर्म में जब हम बताए थे आनंद वगैरह को जब शामिल किया गया तो उस समय की बात बौद्ध धर्म अपना दिया किसी को कोई दिक्कत इतनी पत्नी राजा का पहले के हो गया लेकिन चार पांच को पत्नी में को पगला जाएगा कोनो। कोना से कौन बात बोले थे कंफ्यूजन में हो जाएगा मार हो जाएगा तुरंत हाँ वो मन में करते हैं नहीं जाने आया इसी भी तो इन लोग में ज्यादा होती है आ गया लड़का कभी थोड़ी कहे लड़का कभी कभी कुछ मेरे में क्या कमी है कभी नहीं बोल सकता है तुम लोग कभी बोल सकते हो मेरे में क्या कमी है हाँ कमी कमी है दुनिया में सबके पास कमी होता है <coughs> चाहे लड़का हो या लड़की हो लेकिन होता है एक हमारे में क्या कमी है कभी लड़का बोलेगा जी ये लेकिन आप लोग अक्सर सुनती होंगी ही हीरो फिल्म में सीरियल में ऐसे हीरोइनिया कहती होगी से मेरे में क्या कमी है <coughs> इतना बिया हो गया इसका किसका बिम्बिसार का अब जब वैशाली में इसने शादी किया किससे से तो वैशाली के लोग थोड़ा सा अपना रंग रूप दिखाने लगे कहा कि वैशाली पे हमला करेंगे वैशाली पे जाके क्या कर दिया हमला कर दिया तो इसने वैशाली पे क्या कर दिया हमला किया था तो वैशाली पर आक्रमण किया लेकिन इस युद्ध में वह सफल नहीं हुआ वैशाली पर आक्रमण किया लेकिन इस युद्ध में सफल नहीं हुआ वापस आना पड़ा इसे तो वैशाली युद्ध क्या इसने जीत पाया नहीं जीत पाया लाइव वाले लोग देखो तुम लोग का कमेंटे इतना चलते रहता है क्या बढ़ाएगा तो वैशाली पर आक्रमण किया लेकिन वैशाली को जीत नहीं पाया इसी बीच मध्य प्रदेश में नाम अवंती का राजा अवंती अवंती किसकी राजधानी ने वहां का राजा बीमार पड़ गया मध्य प्रदेश में अवंती के राजा क्या हो गए बीमार पड़ गए अब वो राजा जब बीमार पड़े तो वहां पर इसने अपना एक डॉक्टर भेजा बिहार से पटना से वो डॉक्टर भेजा यहां एक से एक वैद्य मिलते हैं सब बिहार में टूटल हड्डी जोड़ देता है सब इसे बैठा के नाम उसका से भेजा जीवक क्या नाम था जीवक तो अवंती के राजा का नाम था चंद्र प्रधोत अवंती के राजा चंद्र प्रधोत अवंती के राजा प्रधोत अवंती के राजा चंद्र प्रधोत चंद्र प्रधोत की इलाज के लिए किसे भेजा इसने जीवक जीवक क्या था डॉक्टर डॉक्टर था अब जीव चंद्र प्रदौत को डॉक्टर बता चुके थे सब कि इसको कोई डॉक्टर नहीं बचा पाएगा अब चंद्र प्रधोत जाएगा अब बताइए आपको अगर कोई डॉक्टर ये बता दे कि अब आप बच नहीं पाएंगे तो आपको कैसा लगेगा उठपटांग लगेगा यहां पर और उस पे से ये राजा इसको और उठपटांग लगने लगे अब बेचारा ये परेशान हो गया कहा कि कोई मेरी जीवन बचा ले तो मैं उसे साम्राज्य दे दूंगा बस ही पहुंच गया बिम्बिसार कहा कि ब्याह करने लायक है कि नहीं आएगा चार गो दरिया पत्ती थी सब कौन ची बोलता है <laughs> लेकिन चार गो बिया के बाद इनको तो समझ में आ गया होगा युद्ध लड़ने में आसानी है नहीं समझे सोचा होगा कि भैया युद्ध में भी इतना दिमाग नहीं नोचाएगा बेचारा जितना मैं युद्ध लड़ लेते हैं अब बिया ना कर तो समझ आ गया कि नहीं आ गया युद्ध लड़ने में क्या है भलाई है तो युद्ध में उसने क्या किया युद्ध नहीं किया और जीवक नामक वैद्य को भेजा जीवक ने वहां जाकर चंद्र प्रदोध को क्या कर दिया ठीक कर दिया और जब चंद्र प्रदोध ठीक हो गया तो चंद्र प्रदोध खुश हो गया और खुश होकर कि किसकी अधीनता स्वीकार कर लिया बिम्बिसार ऑटोमेटिक मगध देख रहे हैं जब महाकोसला से विवाह किया तो बनारस को क्या कर लिया दहेज में ले लिया किस में ले लिया बनारस को दहेज में तो यहां तक बनारस तक एरिया फैल गया इनका इर, इलाज करके ये इधर तक बैठ गया इलाज करने के नाते यहां तक आ गया मगध बैठना बड़ा होना चालू हो गया वैशाली पर तो आक्रमण कर ही दिया था वैशाली पे जीत ही नहीं पाया इसने और इसका बेटा का नाम था अजात शत्रु अजात शत्रु कह रहा है कि कब तक शासन कीजिएगा बुढ़ा हो गए हैं हाँ, हटिए बिया है, पे बिया कर रहे हैं अरे भाई हमको भी राजा बनने दीजिएगा आजाद शत्रु वाली अपने उधर से कह रही थी कि आप कब राजा बनिएगा जी आप कब राजा बनिएगा चेलन्ना आजाद शत्रु किससे जन्म लिया था चेलन्ना से बिंबिसार सबसे ज्यादा किसे मानता था चेलन्ना से महाकोशली के जो भाई थे ना उनकी उनकी पुत्री महाकोशली का भाई उनकी जो भाई देख महाकोशली का जो भाई होगा इनसे जन्मे सारे लड़कों का मामा ना लगेगा तो उसके उसकी बेटी से ना इसको थोड़ा सा प्रेम हो गया किसको अजात शत्रु अजात शत्रु महाकोशली से तो जन्म नहीं लिया था किसे जन्म लिया था चलन अब भाई दोनों में प्रेम हो गया कोई राजा आप कब बनिएगा तो कह रहा ये राजा हम बनेंगे तो कह रहा कब बनिएगा आप अब बुढ़ा रहे हैं आप कहा कि हमारे डैडी हटेंगे तब तो अब डैडी उसके कौन वो हटने का नाम ही नहीं ले यहां पे ले जाके भाला मार दिया किसको अपने पापा को ले आया भाला लेके बड़का भाला का पापा 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 ने मार दिया भाला मर, कौन? मर गया कौन बिमीजार मर गया समझा गया भाला घोप दिया वहां राजा कौन बन गया नौ टंकी कैले है हा? हमरा बियाह नहीं हो रहा ही, है चरचर को बियाह करके घूमता है बताइए हम राजा कब बनेंगे बुढ़ौती में बनेंगे हम बनेंगे राजा तो बताइए बाप को मार दिया अजात शत्रु इसका नाम है अजात शत्रु शत्रुओं का नाश करने वाला अजात शत्रु शत्रुओं का नाश करने वाला अजात शत्रु अजात शत्रु इसे पितरी हंता कहते हैं क्या कहते हैं क्यों कहते हैं पित्रि हंता पितृहंता क्यों कहते हैं आ? पिता की हत्या की लेकिन इस जब इसने देखा था वैशाली पर आक्रमण करते अपने पिता को लेकिन पिता वैशाली जीत नहीं पाए थे राजनीति बड़ी खराब चीज होती है ससुर किसी का नहीं होता है आप समझा गया कि नहीं के? बड़ा उठपटांग चीज है राजनीति देख रहे हैं किसको मार दिया ने पापा को मार दिया बताइए उसको चढ़ाना चाहिए था कि बाप को मार दो हाँ आपको क्या लगता है इसको चढ़ाया कौन होगा अरे तुम लोग क्या बोल रहे हो ये लोग को पता होगा अगर आपको बताइए क्या लगता है कि चढ़ाया कौन होगा जात से हा? कोई आइडिया उसको मन में मार आया होगा दिमाग कम होगा हाँ चलिए अब जो जो चीज आप बताइएगा तो हम आपका प्रस्ताव तो यहाँ बता देते हैं लेकिन आप लोग को पता है ना आगे बढ़ते हम लोग <coughs> सोचो कितना बेकुफ्ता मार दिया बाप को आगे बढ़े लेकिन बापो तो गद्दी नहीं छोड़ रहा था अब चलिए आगे बढ़ते हैं वैशाली पर इसने आक्रमण करने का विचार किया कहा कि हमारे पिताजी वैशाली को नहीं जीत पाए लेकिन हम वैशाली को जीत के लाएंगे क्योंकि हमारा नानी का घर तो वैशाली में भी है आमरपाली मेन मम्मी, मम्मी इसकी कौन थी चेलन लेकिन इसकी आमरपाली भी तो मम्मी लगेंगी नहीं लगेगी मम्मी तो सब तो ए, छेमा भी हेमा छेमा भी क्या लगेगी मम्मी लगेगी यहां पर कहा कि हम, अपना नानी का घर जीत के लाएंगे इसके लिए उसने ना अपने एक सेनापति एक मंत्री को भेजा जासूस बनाकर जिसका नाम था वर्षकार क्या नाम था तो वैशाली जीतने के लिए इसे किसे भेजा वर्षकार को भेजा कहा कि पहले पता करके आओ कि सो वैशाली जीतना मुश्किल क्यों है तो उसने कहा कि वैशाली के पास जो अग्रिम पंक्ति में सेना खड़ी होती है वो बहुत ही शक्तिशाली है और बहुत लंबे कद के लोग अग्रिम पंक्ति में खड़े होते हैं इस वजह से अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर भाला ले ले रहता है सब उतने दूर रहिएगा ना अग्रिम पंथी वाला मार देगा सब तो कहा तीर से मार देते हैं कहा ना 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 ढाल लेके बैठे रहता है बड़का ढाल लेता है सबको नीचे बैठ जाएगा सही से तीर मारिएगा तो, तो एस्पाटा में जैसे था एसपाटा में जैसे था कहा कि इसको हराना बड़ा मुश्किल है यहाँ पर और दूसरा कि ये लोग ना दीवाल खड़ी कर देते हैं किला बना लेते हैं किला के अंदर जाना बहुत ही मुश्किल है इसलिए पहले इन अग्रिम पीढ़ी के सैनिकों को मारना जरूरी है और किला तोड़ना जरूरी है तो अग्रिम पीढ़ी को मारने के लिए अग्रिम पंथी को मारने के लिए इसने रथ मूसल बनाया और किला तोड़ने के लिए महाशील कंटक बनाया शिला मतलब पत्थर और महाशिला मतलब बड़ा पत्थर और कंटक मतलब फेंक के मारने वाला महाशील कंटक बनाया किसने बनाया अजात शत्रु इसी को बाहुबली में दिखाया गया है देखिए ये बाहुबली में पत्थर करता था तिरपाल बांध दिया था इसमें तो बाहुबली नहीं देखते इसमें बांध दिया था महाशिलीच के प्रतिघात <laughs> मार पत्थर को फेंकता था अब बाहुबली तिरपाल लेके मारता था और इसमें भल्लाल देखिए इधर शेर बना होता था ताकि इधर से हमला ना हो उधर ना हो इसी में बीच में बैठ जाता था वहां पर ऐसे घोड़ा बांध दिया जाता था आई अगवा चलते रहता था अब लो ससुरा अब यहाँ रहता था चारखिया उतना दूर रहता था देखे इसी में के ले आ जाता है किसको देवसेना को दो बार पकड़ा जाती है देवसेना एक जब जवान रहती है तो पकड़ी भी की रहती है बूढ़ियों में पकड़ा जाती है आज भल लाल देव लेके चलता था तो चल यहां से पकड़ी बैठ भल्लाल देव लेके चल जाता है उसको भल्लाल देव कहता हमरा से बिया कर ले हाँ वही बिया ओकरे से ना करना चाहता था भल्लाल देव ये तो राइसन बकलोल कहीं का भग यहाँ पे बिया नहीं करती उस उसको हाँ? तो भाई सबका अपना अपना पसंद है भल्लाल देव वैसे भी आदमी ठीक नहीं था बाहुबली तो ठीक था उसमें इंसानियत भी थी सब ठीक था वहां पे आगे बढ़ जा देवसेना हाँ देवसेना वगैरह तो ये क्या था रथ मुसल क्या था रथ मुसल और ये महाशील कंटक महाशिला कंटक अब बताइए जो बाहुबली में दिखाया गया ना उस हथियार का प्रयोग पटना में पहली बार आविष्कार हुआ था यहाँ पर राजगीर में ले आया था यही यहाँ पर नदी की नरवे से चलाना चालू किया पत्थर धां धा मारा उधिया दिया दीवार तुर दिया ई तुर दिया अब बड़का बड़का इसमें कोई को दस बीस दर्जन ले आकर रख देता था और ढाल से रोकते थे अरे तीर ना रोकेगा ढाल से अब को ढाल से रोक ले इतना बड़का पत्थर दे मारा तो ढाल से हितें कुचा गए को खोपड़िए नहीं है खोज रहे हमारे खोपड़ी गिरा है जी उधर अरे तुम्हारा खोपड़ी कौन जी बड़का पत्थर चला दिया तुम्हारे ऊपर अच्छा बड़े बड़े पत्थर थे गोल साइज के थे वो गिरने के बाद एक जगह रुकते भी नहीं थे डगरने लगते थे कोनो क... गोर तूर दिया का कहीं टूट गया मान के चलिए कोनो से तीर मार रहा है और एक बड़का पत्थर धाएं दिला का ये टूट गया उसका कहीं का हुआ जी हमको <laughs> बाद में पता चला दहिया गायब है हमारा <laughs> दहिया कौन जी गायब है मार दिया वहां से तो वैशाली जीतने के लिए दो हथियार का प्रयोग किया था क्या नाम था उसका रथ मूसल और महाशिला कंटक महाशिला कंटक आगे बढ़ जाए किसी को कोई दिक्कत नहीं है लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि अजात शत्रु ने वैशाली जीतने के लिए किस मंत्री को भेजा था वर्षकार किसे भेजा था किसे भेजा वर्षकार वैशाली जीतने के लिए वर्ष और इसने वैशाली जीत लिया वैशाली क्या कर लिया जीत लिया देखिए मगध बढ़ने लगा नहीं बढ़ने लगा जी वैशाली को क्या कर लिया जीत लिया अब मगध का एरिया बढ़ गया वैशाली जीत लिया किसी को कोई दिक्कत? सत्रु ने अपनी राजधानी राजगीर को से, से बंधवा दिया जबकि बिंबिसार ने राजधानी किसे बनाया था राजगीर को राजगीर को राजधानी बनाया था राजगीर भी बोला जाता है राजगीर को लेकिन इसने क्या किया राजगीर का किला बंदी बना दी राज गिर को चारों ओर से क्या किया किला बनवा दिया किले की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और वहाँ जाने का एक ही रास्ता होता है किला पे आप देखते होंगे बाहुबली भी जब अंदर जा रहा था तो फाटा का इसे उठा लिया इसे उठा लेते हैं किला तो, तो ए में तीर मार दिया बाद में का टप्पा वटप्पा आया अटिग्नामेट्री का फॉर्मूला लगाया कि देखिए ये परपेंडिकुलर है इसको अगर आप हाइपोटेनस में करते हैं फिर रस्सी से बांध देते हैं तरकुल के पेड़ को तो इसमें इलास्टिसिटी आ जाती है हम लोग यहाँ से पकड़ते हैं इलास्टिसिटी फेंक देगा इसे और इसे फेंक दिया तो देखिए तरकुल के पेड़ पर पे चढ़ के इसे कूद जाता है और रास्ते में आप बाहुबली कहता है कि अ कटप्पा कहता है बाबू बाबू एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम जितना एरिया छोट करोगे उतनी स्पीड बढ़ेगा आ एंगुलर में चलो गोलिया जाते हैं तो धाएं 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 गोली आ जाता है इसे यहाँ में समझा गया कि नहीं एंगुलर मोमेंट एरिया जितना छोट करेंगे स्पीड क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा यहाँ पर इसलिए देखिए कोई भी ना घुमरिया मारते समय क्या करता है सिकोड़ लेता है तो एंगुलर मोमेंटम तो बाहुबली का फिजिक्स भी बढ़िया था आगे बढ़े तो इसने राजगीर का क्या किया है किलाबंदी करा दिया था यह बौद्ध धर्म को मानता था आजाद शत्रु किसे मानता था बौद्ध आ इनके पिताजी याद कीजिए पहली बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी पहली बौद्ध संगीति राजगीर में आजाद कब हुआ था चार सौ तिरासी पूर्व यानी लगभग पांच सौ नहीं पहले से कितना साल पहले ढाई हजार साल दो हजार साल तो इधर जी लिए और उससे पहले की बात है कितना पांच सौ साल तो ईसा के जन्म से दो हजार तेईस तो हम जी चुके हैं ईसा के जन्म से पांच सौ साल पहले का है सब सोचिए हम लोग इतना ना पुराना हम लोग का इतिहास रहा है कि बार लोग पते नहीं चलता समझ समझा गया कि नहीं आ गया तो अब पहले यहाँ से एरिया राजा महाराजा का एरिया था यहाँ पर मगध को जितना असंभव था यहाँ के लोगों में ना कॉन्फिडेंस था अरे क्या बोलता है मगध के हैं हम कोई मगध वालों से लड़ता नहीं था यहाँ पर धीरे 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 मगध तो बर्बाद हो गया अकड़ आकड़ और हो गया आप आज भी देखिएगा हम लोग बिहार में हम लोग अर्थव्यवस्था के रूप में कहीं खड़े नहीं होते हैं कोई बड़ी फैक्ट्री कोई बड़ी इंडस्ट्री, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी कोई कहाँ पाता है यहाँ पर आया है कोई आते कमीशन खाना चालू हो जाएगा हाँ सचिव का इतना ठेकेदार का इतना दलाल का इतना मंत्री जी का इतना हाँ चालीस परसेंट चल जाता है उसका साठ परसेंट में आप टैक्स दीजिए काम कीजिए कहाँ से कोई करेगा जी यहाँ पे पुल गिरा देता है सब हाँ अब क्या करिएगा भाई कितना जितना पैसा दीजिएगा उतने ना होगा जितना चीनी डालेंगे उतने भर ना मीठ होगा आगे बढ़ जाए तो किसी की दिक्कत राजगीर की किला बंदी किसने कराया आजाद शत्रु आजाद शत्रु का बेटा था उदयन क्या था उदयन ले या भाला मार दिया किसको आजाद शत्रु का기 जाइए दादा के पास बेचारा खाना खा रहा था और लेया के बड़ा भाला और घोप के आर पार कर दिया कहा मार दिया रे हमको तब तो मार दिए जाओ सोचा नहीं तुम बताओ तुम पापा को क्यों मारा था दादा को क्यों मारा अपना गद्दी नहीं छोड़ रहे थे तो मार दिया गद्दी नहीं छोड़े तो मार दिया कौन भाई उसको भी तो ब्याह करना है नहीं समझे तो बताइए <laughs> इनको किसने मारा हाँ उदायन ने किसने मारा उदयन ने मार दिया उदायीन ने मार दिया और उदायीन ने ही पाटली पुत्रा की स्थापना किया था पाटली पुत्रा की स्थापना किया कहा कि यही जगह ठीक है पटना नदी से भी घिरा है आना जाना सही है और इसने सैनिक छावनी के रूप में पाटली पुत्रा को बनाया था कि पहले सेना को इधर ही निपटा देते हैं राजगीर पहुंचने से पहले बाद में देखा कि राजगीर से तो अच्छा जगह पटना है तो इसने राजधानी कहाँ ला दिया पटना ला दिया संगना के कि नहीं और उदायीन अपने बेटा से पूछते रहता था ब्याह हुआ करना है नहीं समझा तुम लोग काहे पूछते रहता था कहीं यो सोचा बिया कहे के चक्कर में हमरो को उठा के भाला मत मार दे इसलिए कहता को कोई हो तो बता दिए बउआ हम पहले ही साइड हो जाएंगे हाँ तुम लोग को, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ये बकलोल निकला कौन उदयन उतना अच्छा शासक नहीं था अब इसके बाद ना देखिए इस वंश में ना हरियाणा वंश में दुइए को बढ़िया शासक हुए सब बिंबिसार और अजात पहला ऐतिहासिक शासक बिंबिसार बिंबिसार वंश का नाम हरियांग वंश इसने डिप्लोमेसी से भी साम्राज्य बढ़ाया कहा भेजकर चंद्र प्रधोत को डिप्लोमेसी से कर लिया युद्ध करके भी थोड़ा सा वैशाली कह एरिया लिया और सबसे सिंपल तरीका बिया करके भी क्या कर लिया साम्राज्य का विस्तार किया यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे लेकिन चार पांच को बिया करने के बाद आप थोड़ा सा कला वैसे भी बढ़ जाए लेकिन पहले में देखिएगा ना ज़्यादातर लोग ऐसे ब्याह हुआ कर लेते थे आ गया कि नहीं आ गया महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था तो उनको अधिकार नहीं लगता था जब आप पढ़ी लिखी नहीं रहिएगा तो जिंदा रहने को विकास समझिएगा उसको लगता था कहाँ हमारा खाए पिए को मिल रहा है न रानी है ना महल में है ना ये कोई बात है ऐसा नहीं होना चाहिए ना यहाँ पर आज महिलाएं पढ़ी लिखी हो गई हैं लोग कहते हैं कि पहले चार चार को भी आ कर लेते थे अरे पहले लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं होती थी सह लेती थी आज पढ़ी लिखी है आजाद शत्रु बना देगी सब <laughs> नहीं समझ <समया>। में <laughs> तो पहले लड़कियां नहीं पढ़ी थी सब अब आप लोग बताइए पढ़ी लिखी लड़की बर्दाश्त करेगी कभी <laughs> नहीं अरे भाई किसी भी चीज का एक सामाजिक संतुलन बना के रखना जरूरी है तो उस समय ऐसा नहीं था बेचारी सब चुपचाप सह लेती थी सर अभी कोई सहेगा ये काहे कोई सहेगा आप तो कोई आप ही बताइए आप किसी की पत्नी दू को बह कर लेगी आप सहेंगे <laughs> <laughs> आगे बढ़े उदय <उदाएन? laughs> देखो इन <भी> सबको <laughs> आगे बढ़े <laughs> पारिवारिक देखो पारिवारिक कला जो होता है तो तुम लोग एकदम ला जितना भी लड़ाई झगड़ा होता है हस्बैंड वाइफ एंड देन पारिवारिक कला ये एकदम लास्ट स्टेज में लेके चले जाते हैं से। किसी भी रिश्ते में जितना तू तु तू मैं में कीजिएगा उतने उसमें वैल्यू कम होते जाएगा समझा गया कि नहीं आ गया आप यहाँ डेली उलझिएगा किसी दोस्त से या किसी से भी तो आपका वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा धीरे धीरे मेंटेलिटी समझ के एक लक्ष्मण रेखा रहनी चाहिए देश बिना संविधान का चल सकता है इतना बड़ा संविधान है ना उस तरह रिश्तों के लिए भी एक छोटा ही संविधान रहे कि लक्ष्मण रेखा किस चीज़ की कहाँ तक है वहां तक जाके रुक जाओ लेकिन ना इस लड़ाई करता है सब ना एगो मोहल्ला में मैंने लड़ाई किया था तो उसकी पत्नी उसको उन्नीस सौ छियानबे की गलती गलती गिनवा रही थी मैंने उसका बिया हुआ था नब्बे के दशक में उन्नीस सौ अंटी हो गई थी अक ब्याह के बाद तो हम देख लेकिन जीवन जीना बड़ी मुश्किल है और उनका बिया हुआ है नब्बे में नब्बे इक्यानबे में कबो का झगड़ा किया होगा सब बानवे तिरानवे के आसपास में और बात उलाट की सुना रही थी हम कह रही बाप बरे बाप हम उनको जब झगड़ा शांत हुआ हम कहे कि आप ना इतिहास अच्छा पढ़ा सकती हैं भाई वो कैसे जब इतना पुराना झगड़ा याद है आपको तो पानीपत का युद्ध इन सब तो आपको बहुत आराम से याद हो जाएगा <laughs> उदयन ने किसकी स्थापना किया, स्थाप किया? पाटलिपुत्र देखिए इस वंश में अब कोई अच्छा शासक नहीं हुआ इस वंश का शासक था नाग क्या था नाग दशक नाग दशक बकलोल था नाग दशक क्या था बकलोल तो था इसने अपना सेनापति रखा शिशुनाग को इसका सेनापति सेनापति शिशु नाग सेनापति का नाम शिशुनाग था तो नाग दशक जो था ये कमजोर शासक था अब सेनापति क्या था शक्तिशाली अब जैसे आप देखिए आप ही को अगर अगर ऐसा पद दे दिया जाए जो आप योग्य ना हो जैसे आप में कोई मान के चलिए मुख्यमंत्री बन जाए सपोज इस उम्र में क्या बन जाए मुख्यमंत्री अब आप बताइए आपसे परमिशन लेने आएंगे बिहार के डीजीपी वो देखेंगे कि बकलोले यार इधर में आ गया कि नहीं आ गया आप अतं जाए नीतीश कुमार के पास पूरा हिस्ट्री जानते हैं अच्छा 2005 में आप भागलपुर में एसपी थे यस सर अब सोचिए हुए वो उस पर क्या असर पड़ेगा समझ में आ रहा है तो पांचे से मुख्यमंत्री ना है सारा अधिकारी जितना ऊपर लेवल का बैठल है सबको पता था कहाँ कहाँ से ड्यूटी करके हैं अब उनके आगे कोई उड़ेगा हाँ नहीं तो ये अधिकारी डुबा देगा सब आपको <laughs> अरे इतिहास गवाह है बाबू अधिकारी ही डुबाया है सब थोड़ा तो कोई उड़े मोदी जी के सामने कोई उड़े सबको पता है कि पहले किस डिपार्टमेंट में देख कौन सा कैडर था कितना घपला किए हैं कहाँ घोटाला किए हैं सब डराइल रहता है सर कि अरे बाप हो बाप यस सर यस yes, सर ये काम करना जी सर एकदम पता है कि नहीं करेंगे तो अभी पुराना चिट्ठा खोल देंगे ना प्रमोशन की जगह सस्पेंड टर्मिनेट कूल हो जाएंगे हम यहाँ पे तो आपको ना राजा और बड़े पद को काफी प्रभावशाली और शक्तिशाली रहना पड़ेगा नहीं तो वही मार देगा आपको व्यवस्था कर देगा तख्ता पलट कर देगा पाकिस्तान में यही ना हो गया सद्दाम हुसैन क्या किया तख्ता पलट कर दिया हिटलर ने क्या किया सेनापति था <laughs> तख्ता पलट कर दिया वैसे ही सेनापति कौन था शिशुनाग अभी जाता था नाग दशक हथियार में तो पूछता था ये कौन सा हथियार है अरे बकलोल कहीं का राजा अगर पूछेगा ये कौन सा हथियार है तो सेनापति कहता था ना ये रथमूसल महाशिला कंटक तलवार ये ऐसे ये का अच्छा ऐसा ऐसा है तो नाग दशक ने कहा ना नाग दशक तो बकलोल था शिशुनाग ने कहा कि यार ये तो पूरा बकलेल है तो जिस जितना उसके सलाहकार थे सबको मिला लिया कहा कि ये राजा कोनो काम का है आ, कोई काम करने का एक बार सिंहासन पे बैठल थे और ना उसका सेनापति शिशुनाग कुछ भाषण दे रहे थे हंसी मजाक अपना राजा तो थे नहीं निकाला तलवार छपाक से मार दिया दशक से बैठेंगे हो गया काम खत्म फेंक रहे के, के? फेंक दिया अब कहा कि, आज से मगध का सिंहासन शिशु नाग के पास किसी को डाउट है हाथ उठाइए किसी को डाउट है अब तो कोई हाथ उठाएगा अच्छा आपको क्या लगता है शिशुनाग बकलोल होगा मारने से पहले पूरा पता कर लिए कौन को इसके इसके गुट का है इसको मारने के बाद उसको निपटा दिया समझ कि नहीं आगे जो मारने लायक था मार दिया जिसको लालच देना था कोई पद दे दिया कहा कि आज के बाद यहां का शासन कौन रहेगा शिशुनाग और यहां से अंत कर दिया इसने किस वंश का हरियंक वंश का और हरियांक वंश के बाद कौन सा वंश आया नाग वंस। शिशुनाग वंश कौन सा वंश शिशुनाग वंश कौन सा वंश शिशुनाग वैसे ही शिशुनाग वंश भी चलेगा इस वंश में भी लास्ट में कोई शासक होगा बकलोल होगा उसका सेनापति उसको मारेगा फिर उसके जगह नंद वंश आएगा उसी तरह नंद वंश चलेगा नंद वंश का भी सेनापति राष्ट्र का राजा कमजोर होगा उसे मारेगा उसके जगह कोई और बैठेगा फिर उसी तरह कोई और मारेगा उसकी जगह कोई और बैठेगा ऐसे मारते गए से मारते गए से लास्ट 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 तक जब देश आजाद हुआ तो कहा गया ये मारधारी खत्म अब चुनाव होगा मनमोहन सिंह की जगह मोदी जी मोदी जी की जगह कोई और आएगा आगे जाके नहीं समझे तो पहले मारधार से हटाया जाता था अब मतदान से हटाया जाता है अंतर क्या गया यहाँ पर बस थोड़ा सा एक सिस्टमेटिक हो गया तरीका यहाँ पर समझ आ गया कि नहीं आ गया तो बताइए मगध में दुईए को तो महत्वपूर्ण शासक हुए सब नहीं हरियंक वंश में मगध में नहीं हरियंक मगध में तो कई वंशों ने शासन किया मगध का शासन थोड़े रुकने वाला है ये नहीं तो वो करेगा भल्लाल देव आ गया बाहुबली को मार के कौन आया देखे कि नहीं बाहुबली भल्लाल देव को मार के बन गया कौन दूसर का बाहुबली अमरेंद्र अमरेंद्र बाहुबली बन गया उसी तरह ये होते यहाँ पे किसी को दिक्कत है तो बताया जाए